तो दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ऊपर थ्री यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, फिर से सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपका पासवर्ड पता नहीं चलेगा, आप यहाँ से पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपना करेंट पासवर्ड डालना होगा, जो अभी का पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को केवल चेंज कर सकते हैं। आपका पासवर्ड ये क्यों बताएगा, फेसबुक आपका पासवर्ड नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका ये शो हो जाएगा कि आपका जो फेसबुक है, आपका अकाउंट है, वो किस किस फोन में लॉगिन है, कहाँ कहाँ लॉगिन है, ये केवल आप जान सकते हैं। आपका पासवर्ड यहाँ से पता नहीं चलेगा। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता करने के लिए इसमें करना होगा आपका जीमेल जो अपना आपका जीमेल है जो है जीमेल एप्लीकेशन, उसको ओपन करना होगा। उसको ओपन करने के बाद ऊपर देखिए आपका प्रोफाइल दिखेगा सबसे कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट दिखेगा। आपके फोन में अगर 5-6 जीमेल आईडी है तो यहाँ पे दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। अगर आपके फोन में 1 जीमेल आईडी है तो यहाँ पे दिखेगा गूगल अकाउंट। तो मेरा 5-6 है तो मैं मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से इसके स्वाइप करना है। स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिंपली से सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे आना है। नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड मैनेजर का, देखिए पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही पासवर्ड मैनेजर पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके फोन में जितना भी एप्लीकेशन है, जो जो चीज़ है, जो वेबसाइट एप्लीकेशन जितना चीज़ है, उसका सारा पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया रहता है। एंड्रॉयड फोन में ये खासियत है, सारा यहाँ पे देखिए एक मतलब जितना पासवर्ड है वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया रहता है। देखिए यहाँ पे facebook.com है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का 3 अकाउंट है, यहाँ पे आपका लॉक आ जाएगा। आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे डालना है, नहीं तो अगर स्क्रीन लॉक है तो वो डाल देना है। उसके बाद देखिए मेरे फेसबुक के अकाउंट 3 है, तो यहाँ पे तीनों अकाउंट का मेरा यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड दोनों आ गया। जैसे ही मैं आँख पे इस आई पे क्लिक करता हूँ उसी पे, तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक तरीका और भी है दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जान सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, दूसरा तरीके के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे देखिए मैं क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद ऊपर देखिए आपको 3 डॉट दिखेगा, 3 बिंदु दिखेगा ऊपर, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड मैनेजर सेकंड नंबर पर दिख रहा है, पासवर्ड मैनेजर, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोन में जितना भी पासवर्ड है, जितना भी वेबसाइट का अपने पासवर्ड लगा कर रखा है, जितना भी एप्लीकेशन होगा आपके फोन में जितना उसका पासवर्ड लगा कर रखा है, वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ग्रुप, जितना भी मेरा मतलब मैंने वेबसाइट यूज किया है और एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उस सारा का जितना मैं पहले पासवर्ड लगाया उस सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फेसबुक भी शो हो रहा होगा, देखिए फेसबुक भी मेरा यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड 2 तरीका से जान सकते हैं, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले जाए हैं, वंदे मातरम।